हेलो बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकृति का संदेश। प्रकृति का संदेश ये कविता की कवि है सोहन लाल द्विवेदी। कवि का नाम सोहन लाल द्विवेदी। अच्छा बच्चों देखो, मानव घर से बाहर जब निकलता है तो प्रकृति के अनेक रूपों को दर्शन करता है या देखता है। तो प्रकृति मानव की चिर सहचरी है। प्रकृति मानव की चिर सहचरी है। जब घर से यह निकलता है, बाहर जाता है, तो प्रकृति का अनेक रूपों को ये दर्शन करता है या देखता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, वृक्ष, लताएं, सागर, सरिता, सरोवर मनुष्य के अनेक भावों को जगाते हैं। तो प्रकृति को देख सभी खुश होते हैं। हम प्रकृति को देखते हैं, खुश होते हैं। झरना, सागर, जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब को देखकर हमको आनंद मिलता है। तो प्रकृति भी हमको कुछ संदेश दे रहा है। संदेश का अर्थ है वार्ता दे रहा है, कुछ वार्ता दे रहा है प्रकृति। देखो ये कविता के कवि है सोहन लाल द्विवेदी। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मैं पढ़ता हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर, सागर कहता है लहरा कर, मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। तो देखो, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर, मन में गहराई लाओ। तो पर्वत हमको क्या संदेश दे रहा है? अपना शीर को उठाकर क्या कह रहा है? पर्वत कहता शीश उठाकर, शीश का अर्थ है शीर व मस्तक। तो शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो मेरी तरह तुमको ऊंचा होना चाहिए, अर्थात तुम महान बनो। मेरी तरह क्या बनो? महान बनो। तो पर्वत महान बनने को कह रहा है। तो शीश उठाकर कहता है तुम भी मेरी तरह ऊंचे बनो, अर्थात महान बनो। सागर कहता है लहरा कर, सागर कहता है लहरा कर। और सागर हमको क्या वार्ता दे रहा है? तो पर्वत हमको ऊंचे बनने को कहा है। हम महान होंगे तो महान कैसे बनेंगे? तो जब महत् कार्य हम करेंगे, अच्छा कर्म हम करेंगे, तभी हमको ये सारा संसार में तो प्रशंसा मिलेगा, तारीफ मिलेगा, तभी हम जाकर महान बन जाएंगे। तो पर्वत भी ये हमको शिक्षा देता है और सागर क्या कहता है? तो सागर कहता है लहरा कर, मन में गहराई लाओ। सागर लहरा कर कहता है कि मन में गहराई लाओ। सागर टिके लहरी मारिकी कहू अच्छी मनटा को टिके गभीरियो कर दियो, गहराई लाओ, यानी संकीर्णता छोड़ो, अर्थात तुम्हें तुम मन को टिके छोटिया कर नहीं, मन को टिके ओसारिया कर दियो, मन को टिके महान कर दियो, यानी संकीर्णता छोड़ो और उदारता को अपनाओ। तो सागर से हम क्या सीखेंगे? हमारे मन में जितने सारे संकीर्णता भाव है, जितना छोटा भाव है,
तो उसको हम परित्याग करेंगे और उदारता को अपनाएंगे, उदारता गुण को धारण करेंगे। तो संकीर्णता को छोड़कर उदारता को अपनाने के लिए सागर कहता है लहरा कर। तो देखो परवर्ती जो पद्य है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। तो माता धरती, पृथ्वी का अर्थ है धरती है, तो धरती क्या कहती है, धरती पृथ्वी ये स्त्रीलिंग है, पृथ्वी कहती, पृथ्वी कहुची, धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, अर्थात पृथ्वी कहती मेरी तरह धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैया पृथ्वी कितना धीरज धारण करती है, जो भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो भी उनके ऊपर भार पड़ रहा है, ये अपना धैर्य को परित्याग नहीं करती है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, अर्थात पृथ्वी कहती मेरी तरह धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे दायित्वों का कितना ही बोझ हो, जितना ही दायित्वों का बोझ हो, हमको धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए, हमको अधैर्य नहीं होना चाहिए, हमको धीरज बांधना चाहिए। तो पृथ्वी माता से हमको धैर्य की गुण का सीखना चाहिए। और नभ कहता है फैलो इतना, और नभ कहता है फैलो इतना, नभ क्या जानते हैं बच्चों, आकाश, नभ का अर्थ है आकाश, अंबर ये भी कहते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है। नभ कहता कि मेरी तरह इतना विशाल हृदय बनो, मेरी तरह इतना विशाल हृदय बनो कि उसमें सारे संसार को जगह मिल जाए, मो भली तुम्हें तुमर हृदय को इतने विशाल कर दियो, सेथिरे जेमिति संसार गोटा जाकु कौन मिली जीव, स्थान मिली जीव। और देखो समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में, भर लो अपने मन में, मीठी मीठी मृदुल उमंग, मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो देखो तो तरंग, तरल तरंग, तो सागर में तरंग उठती है, समंदर में तरंग उठती है, तो समुद्र में तरंग उठे, तो तरल तरंग ये संदेश दे रही है, तरल तरंग ये वार्ता दे अच्छी कि अपने मन में मीठी मीठी उमंग भर लो, अपने मन में मीठी मीठी उमंग भर लो। तो मन रे मीठा मीठा आशा हमें भरीबा, अर्थात हृदय को मीठे मीठे अरमान से भर लेना चाहिए, हृदय को मीठे मीठे अरमानों से भर लेना चाहिए। तो हमको आशा आकांक्षा ये इसको लेकर हमारा हृदय को भरना चाहिए, यही शिक्षा हमको प्रकृति से मिलती है, सागर और पृथ्वी, सागर और पृथ्वी। और क्या है, और आकाश बा नभ, और क्या है तरल तरंग, तरल तरंग। तो ये
प्रकृति हमको नए नए शिक्षा, मानव को नए नए शिक्षा प्रदान देते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो महान बनने को ये हमको वार्ता दे रहा है, ये उपदेश दे रहा है। और सागर भी क्या, सागर से हम क्या सीखेंगे, मन में गहराई पन लाने को ये हमको वार्ता दे रहा है कि संकीर्णता को परित्याग करके उदारता को अपनाओ। और पृथ्वी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे दायित्वों का कितना ही बोझ हो। और आकाश से व नभ से हम क्या सीखेंगे, नभ से सीखेंगे कि मेरी तरफ विशाल हृदय बनो कि उसमें सारा संसार को जग मिल जाए। और तरल तरंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो कि अपने मन में मीठी मीठी उमंग भर लेना चाहिए और हृदय को मीठी मीठी अरमान से भर लेना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये शिक्षा तुम्हारे लिए लाभप्रद बनेगा। और फिर मैं तुमको धन्यवाद दे रहा हूँ। बाय बाय।